कैबिनेट मिनिस्टर श्री राजेंद्र चौधरी जी से निवेदन है, आप आए अम्मा जी को पुष्पहार अर्पित करें। प्रेममय माँ और गरीब व पिछड़ों के लिए वाली एक सच्चे व्यक्तित्व के दर्शन करते हैं। अम्मा अपने मातृवात्सल्य पूर्ण आलिंगन से संपूर्ण विश्व में लोगों को प्रेरित कर रही हैं, उनका उत्थान कर उनमें सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं। आपका आध्यात्मिक ज्ञान और स्वयंसेवी सामाजिक सेवा संगठन न केवल भारत में बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, कनाडा, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका समेत उन सभी जगह सक्रिय है जहां अम्मा यात्रा करती हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद एवं उनके जन सूचना विभाग द्वारा अम्मा के संगठन माता अमृतानंदमयी मठ को सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। यह विश्व भर के गरीबों के बोझ को कम करने में मदद करने के लिए मौजूद उनकी 5 बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, आवास, श्री अखिलेश यादव जी आप आए व पूज्य अम्मा जी की दिव्य उपस्थिति में अमृता विद्यालय का उद्घाटन करें। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों से हमारा अनुरोध है, आप सभी इस दिव्य कार्य में सहयोग दें। अमृता विद्यालय का उद्घाटन हो रहा है। यह उत्तर प्रदेश में पहला अमृता विद्यालय है। यह क्षण ऐतिहासिक पल में बदलने जा रहा है। आपका हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय पूजनीय अम्मा जी और उनके ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी सहयोगी यहाँ पर बड़ी संख्या में उनके सम्मान में उनको सुनने उन्हें देखने आए हुए सभी बुजुर्ग माताएं बहनें पद का साथियों, मैं सबसे पहले अम्मा जी का अपनी तरफ से प्रदेश की तरफ से उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। हालांकि मेरे लिए व्यक्तिगत हमने तो केवल खबरों में और बहुत सारे जो लोग जब मिलते थे दूसरे हिस्से से आते थे देश के अम्मा जी के कार्यक्रमों के बारे में बताते थे तो समीक्षा होती थी कभी अम्मा जी से मिलने का मौका मिलेगा, केरला कभी जा नहीं पाए, हमारे सामने हमारे बीच हैं। तो मैं समझता हूं आज सबसे ज्यादा अगर जहां आप लोग हम और प्रदेश और तमाम जो उनको सुनते हैं समझते हैं उनके बारे में जानते हैं उनको आशीर्वाद की जरूरत है। और जो काम ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है आज एक मनुष्य के लिए दूसरा मनुष्य अगर नहीं काम करेगा तो आखिरकार कौन उनकी मदद करेगा। श्रेष्ठ वही है जो अपने बीच में रह करके मदद करे। और अम्मा जैसा कार्यक्रम पढ़ाई के क्षेत्र में काम हो रहा हो, लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनकी सूझबूझ कैसे बढ़ सकती है, उनके बीच में तालमेल कैसे बढ़ सकता है, प्यार कैसे बढ़ सकता है, मैं समझता हूँ अम्मा जी का जीवन अम्मा जी का जो कार्यक्रम है और उसका परिणाम यही है कि न केवल देश बल्कि दुनिया के लोगों ने उनको माना है, उनको सम्मान भी देने का काम किया है। इस मौके पर जो उन्होंने अच्छा काम किया है, समाज के लिए नेक काम किया है, जो प्यार भावना जगाने का काम किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और मैं ये कहूंगा कि जहां हम तो चाहेंगे कि इसी तरह आप आए जिससे कि जो आपका काम अच्छा काम आपने
अपने ट्रस्ट के माध्यम से किया है, यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोगों को भी लाभ मिले। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ आपने पढ़ाई का स्कूल का जो आज शुरुआत की है, समाज वही और देश प्रदेश वही तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे जाता है जिस समाज के लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिस समाज के लोग ये तय कर सकते हैं कि अच्छा और बुरा क्या है, उस समाज के लोग जो आपस में प्रेम रखते हैं और अपने बीच के लोगों को अच्छा मानते हैं, मैं समझता हूँ वही समाज वही देश तरक्की करता है। इस मौके पर मैं अम्मा जी से आशीर्वाद और वहीं मांगते हुए तमाम लोग जो आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट। आपका हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं कैबिनेट राजेंद्र चौधरी जी। श्री राजेंद्र चौधरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी यहाँ उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में इस ई प्रोग्राम का टैबलेट एजुकेशन का उद्घाटन होने जा रहा है। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आपने अपना अमूल्य समय प्रदान किया। माता अमृतानंदमय मठ की ओर से हम आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आपने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, मठ की सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया। आपका एक बार फिर से हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सभी का हम हार्दिक आभार करते हैं और यहाँ पर एक कृतज्ञता प्रकट करते हुए आपको मोमेंटो प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को माता अमृतानंदमय मठ की ओर से अम्मा के शुभ हाथों से ये मोमेंटो दिया जा रहा है। सभी का एक बार फिर से हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कैबिनेट मिनिस्टर जी श्री यादव जी, श्री आलोक रंजन जी, श्री विजय मिश्रा जी, बाबा दुबे जी, श्री भंडारी यादव जी, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।